तो हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। सो आज हम फिर से खेलने वाले ट्राई बीस्ट लीग। आज टॉप बॉलर के साथ टॉप ऑलराउंडर के साथ मैच है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से मैच होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, आप पॉज करके यहाँ पर प्लेइंग 11 देख सकते हो। और जो टुडे कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है, हार्ड है, मतलब बॉल का बाउंस बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर टॉप ऑलराउंडर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए। अगर टॉप बॉलर को क्वालिफाई करना है फाइनल के लिए तो टॉप बॉलर को बहुत दुनानों से इस मैच को जीतना होगा। और यहाँ पर टॉप ऑलराउंडर ने टॉस जीत गया है, क्या लेता है वही देखने का बात है। बेन स्टोक्स कप्तान है टॉप ऑलराउंडर का, और यहाँ पर डिसाइड किया है बैटिंग करने का। तो यहाँ पर पहली गेंद मिचेल स्टार का और सामने है बेन स्टोक्स। मिचेल स्टार की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया फुल लेंथ पे डिलीवरी था, लेकिन डॉट गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद। मिचेल स्टार की दूसरी गेंद, सामने है बेन स्टोक्स, क्या एक छक्का लगा पाएगा बेन स्टोक्स। ये भी बहुत ही बेहतरीन गेंद और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कैच, दूसरी गेंद पे ही आउट, बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसे ही खेलेगा ना तो टॉप बॉलर क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए, ये मेरा वादा है अब सबसे। बहुत ही बेहतरीन गेंद था, बेन स्टोक्स ने फ्लिक करना चाहता था लेकिन बॉल का बाउंस चार्ज नहीं कर पाया, एक बहुत ही बेहतरीन कैच। अब आ चुका है रविंद्र जादेजा जो टूर्नामेंट पे बहुत ही ज़्यादा फॉर्म पे है। तो यहाँ पर तीसरा गेंद और सामने है जादेजा, तीसरा गेंद पे क्या होता है, ये भी बहुत ही बढ़िया शॉट, और यहाँ ये शॉट तो गैप पे है लेकिन एक ही रन मिलेगा, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन एक रन चुरा लिया रविंद्र जादेजा ने। मिचेल स्टार की चौथी गेंद और सामने है ग्रेन मैक्सवेल, क्या करेगा मैक्सवेल, मैक्सवेल को ओ भाई बहुत ही बढ़िया इन स्विंग, मैक्सवेल जज ही नहीं कर पाया। मिचेल स्टार की पांचवी गेंद, इस गेंद पे क्या होगा, इस गेंद पे बहुत बढ़िया मारेगा मेरे हिसाब से तो मैक्सवेल। ओ हो भाई बहुत बढ़िया एज लगा लेकिन स्लिप नहीं था इसलिए बच गया। अभी तक मिचेल स्टार ने सिर्फ पांच गेंदों पे एक ही रन दिया है, तो लास्ट गेंद इस ओवर का, ओहो मैक्सवेल ने बहुत ही बेहतरीन उठा के शॉट मारा है और बहुत ही बढ़िया चौका यहाँ पर मैक्सवेल को मिलता हुआ। यहाँ पर फर्गुसन का दूसरा गेंद और सामने रविंद्र जादेजा, क्या करेगा, बहुत बाउंस आता और यहाँ पर रविंद्र जादेजा के एज लगा और कीपर ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया और एम्पायर ने भी आउट कर दिया। बहुत ही बेहतरीन गेंद था लॉकी फर्गुसन का, और यहाँ पर रविंद्र जादेजा जो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन था वो आउट होते हुए। रविंद्र जादेजा ने सिर्फ तीन गेंदों पे एक ही रन बना पाया। अब आ चुका है मोहम्मद नबी, इनको ही कुछ करना है अभी। फर्गुसन का तीसरा गेंद था, सामने है मोहम्मद नबी, क्या विकेट निकल सकता है, ये भी बाउंसर गेंद था लेकिन बहुत बढ़िया पुल शॉट खेला यहाँ पर नबी ने और यहाँ पर चौका मिला है नबी को। फर्गुसन की चौथी गेंद, यहाँ पर फुल लेंथ डिलीवरी, ओहो हो मोहम्मद नबी ने क्या फ्लिक शॉट खेला, गैप पे चौका मिलेगा मोहम्मद नबी को। अब आ चुका है कप्तान जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह का पहली गेंद और यहाँ पर पैरों पे गेंद और यहाँ पर बोल्ट मोहम्मद नबी बोल्ट, जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर मोहम्मद नबी ने समझ ही नहीं पाया, बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर था, बेहतरीन बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर बुमराह के दौरान से। और यहाँ पर टॉप ऑलराउंडर ने सिर्फ 14 ही रन बना पाया 2.1 ओवर पे। बेन स्टोक्स ने डाक किया, कुछ भी रन नहीं किया। ग्रेन मैक्सवेल ने 4 रन बनाया, रविंद्र जादेजा ने 1 रन बनाया और मोहम्मद नबी ने 9 रन बनाया। अभी जीतने के लिए टॉप बॉलर को 15 रन चाहिए 5 ओवर पे। पहली गेंद जेसन होल्डर का और सामने है पैट कमिंस, बहुत ही बढ़िया गेंद पैट कमिंस ने, यहाँ पर एक भी पैट कमिंस को यहाँ पर एक भी रन नहीं मिलेगा। होल्डर का तीसरा गेंद, इस गेंद पे क्या छक्का मार पाएगा, मारना तो चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर उठा के शॉट मारा है पैट कमिंस ने, 1 बाउंस 2 बाउंस चौका, बहुत ही बेहतरीन एक चौका पैट कमिंस को मिलता हुआ। अब आ चुका है मिचेल सैंटेना, सैंटेना की पहली गेंद, मुजीबुर रहमान बहुत ही बढ़िया, मुजीबुर रहमान ने शॉट मारा है, यहाँ पर छक्का जाएगा नहीं, छक्का नहीं गया, चौका जाएगा, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर मुजी के दौरान से। सैंटेना का तीसरा गेंद, क्या मुझे यहाँ पर छक्का मार पाएगा, मार के खत्म करेगा, ओहो बहुत ही बेहतरीन बॉल घुमा ही नहीं। सेंटेनर की चौथी गेंद, इस ओवर में मैच खत्म करना चाहिए, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट और ये शॉट में तो छक्का नहीं मिलेगा, चौका ही मिलेगा क्योंकि बाउंस खा चुका है, एक गोल लेवल हो चुका है, सिर्फ एक ही रन चाहिए मेरे हिसाब से तो इस गेंद पे, ए रन कंप्लीट कर देना चाहिए, एक रन तो चाहिए, कर दे भाई, बहुत ही बेहतरीन चौका यहाँ पर, सेम शॉट मारा है मुझी ने, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी किया है। और इसी के साथ टॉप बॉलर ने 3 विकेट से इस मैच को जीतता हुआ, और आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप बॉलर ने इस मैच को 3 विकेट से जीत गया। तो ये मैच तो बहुत ही जल्दी खत्म हो चुका है क्योंकि टॉप बॉलर ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया, मुजीबुर रहमान ने 6 गेंदों में 12 रन बनाया और पैट कमिंस ने 5 गेंदों में 5 रन बनाया और 18 रन बना दिया सिर्फ 1.5 ओवर पे, और मैन ऑफ द मैच में मुजीबुर रहमान होना ही चाहिए क्योंकि 6 गेंदों में 12 रन बनाया, बहुत होता है भाई। और टॉप बॉलर ने यहाँ पर 3 विकेट से इस मैच को जीत गया, और आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों टीम ही 4 मैच खेल के 2-2 मैच जीता है और 2-2 मैच हार चुका है,
लेकिन टॉप बॉलर ने लास्ट मैच पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया, सिर्फ 0.04 से अंतर रह चुका है टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर के बीच में, और टॉप बैट्समैन थोड़ा सा आगे है तो वही क्वालिफाई करेगा। तो फाइनल मैच टॉप ऑलराउंडर के साथ टॉप बैट्समैन का होने वाला है, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। टॉप बॉलर इसी के साथ इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है ऑलरेडी। आप यहां पर देख सकते हो टूर्नामेंट पे सबसे ज्यादा रन है मुजीबुर रहमान ने, 4 मैचों पे 56 रन बनाया। उसके बाद है रविंद्र जादेजा का, वो भी 4 मैचों पे 52 रन बनाया। बेन स्टोक्स है, 4 मैच पे 48 रन बनाया। विराट कोहली है, उसके बाद पैट कमिंस है, फाफ डुप्लेसी है, जॉनी बेरिस्टर है, जसप्रीत बुमराह है, रोहित शर्मा है, बहुत सारे है। और बॉलर में देख लेते हैं एक बार, बॉलर पे किसके ज्यादा विकेट है। विकेट यहाँ पर जेसन होल्डर का नाम पे 3 विकेट है, रोहित शर्मा के नाम पे 3 विकेट है, जसप्रीत बुमराह के नाम पे 2 विकेट है, राशिद खान के नाम पे 2 विकेट है, और भी बहुत सारे बॉलर है जिसके नाम पे सिर्फ एक एक विकेट है। और यहाँ पर टॉप बैट्समैन और टॉप ऑलराउंडर क्वालिफाई कर चुका है। तो फाइनल मैच आने वाला है बहुत जल्द मेरे चैनल पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब भी मैं फाइनल मैच को अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उसके लिए बेल बटन भी दबा देना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।